बस क्या कहें, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 10 साल से लगातार चल रहा है, लोगों का जो प्यार मिला है और आज 11वें साल में भी यहाँ हम लोग नॉमिनेट हुए हैं। सुना है ITA हमें तारक मेहता की टीम को कुछ स्पेशल अवार्ड से नवाजने वाले हैं, तो बस बहुत खुशी हो रही है कि इतने साल के बाद भी लोग हमें देखना पसंद करते हैं, हमारी सीरियल को देखना पसंद करते हैं। और भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज भगवान स्वामीनारायण का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक रखा, इस लायक बनाया कि मैं लोगों के चेहरे पे हंसी बांट सकूँ। बस डे वन से ITA पहला अवार्ड है टेलीविज़न का और आज 18 साल से लगातार शशि जी अनु जी ये ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड है। हमेशा ये लोग एवरी ईयर इसका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाते ही जा रहे हैं और आज भी एक अलग वेन्यू पे ये ऑर्गेनाइज किया है, सो एवरी ईयर ऑफ कोर्स आई मीन वी लुक फॉरवर्ड टू ITA अवार्ड्स। नहीं अच्छा, आई मीन चेंज इज़ इनएविटेबल, मतलब वो तो देखिए जीवन में चेंज तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली इट इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू बिगनिंग। जैसे जब TV धीरे धीरे बड़ा होते गया तब लोगों को, काफ़ी लोगों को एक इंडस्ट्री बन गया, काफ़ी लोगों को मौका मिला काम करने का हर डिपार्टमेंट में, तो उसी तरह अभी वेब सीरीज़ में तो ये और भी बड़ा एक प्लेटफॉर्म है कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप अपनी जो टैलेंट है उसको शोकेस कर सकते हैं। बस भगवान करे नए साल में आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि और आनंद बने रहें। हैप्पी न्यू ईयर। कुछ भी, मैं हल्का फुल्का भी ऐसे मूव भी करूंगा। भाग गया सुनील, मैंने देखी तुम्हारी खबर। लंबा सफर नहीं, 10 मिनट में पहुंचा हूं मैं यहां पे, आज तो ट्रैफिक भी नहीं था। सफर के बारे में, ITA की जर्नी बहुत खूबसूरत रही, 18 साल का हो गया है और उसको अभी लाइसेंस की एज हो गई है, 3 साल में तो ब्याह भी हो जाएगा ITA का, यू नो आई मीन मैरिजेबल एज हो जाएगी। और मुझे बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ, टेलीविज़न और फिल्म्स में जो एक्सीलेंस होती है और जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं उनको नवाजा जाता है अवार्ड से, और इससे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अच्छा करने का कि हम अवार्ड जीतें, और ये बहुत हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, देखूँगा कि क्या इस साल क्या नया हो रहा है। सुनील जी, हाँ जी, आपकी क्या उम्मीद है किस चीज़ से? उम्मीदें नहीं, मुझे खुशी है कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है, और तो मैं हाथ धो के आया हूँ सैनिटाइजर से। जी जी, ऑफकोर्स हमने बड़ा अच्छा काम किया, इमोशनल कनेक्शन है और उनकी शादी हो रही है और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो खुश रहें और वैवाहिक जीवन में एंटर कर रहे हैं। ईश्वर उनको और ज़्यादा हैप्पीनेस दे और लेडी लक उनके लिए और काम करे, और अब तक बीवी के ऊपर जोक मारते रहे हैं बिना ब्याहे, अब पता चलेगा बीवी आती तो क्या होता है। कल मैं कल नहीं जा पाऊँगा, जो मुंबई में फंक्शन हो रहा है वहाँ जाऊँगा। जी, भारत का क्या स्टेटस है आपकी शूटिंग? भारत को आज़ाद हुए 1947 में आज़ाद हुआ था। अच्छा, जो फिल्म है वो, जी जी, मैं बेहद खुश हूँ और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मुझे इतनी बड़ी और इतनी अच्छी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला है, और बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। अली अब्बास जफर साहब जो हैं उसे डायरेक्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे फिल्म को, तो इट्स अ मैसिव बिग फिल्म, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म। मैंने उनके जैसा इंसान और डिसिप्लिन्ड आदमी और कलाकार नहीं देखा, बिकॉज वो एक टाइम में इतना काम करते हैं, फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और 2032 में कौन सी फिल्म कर रहे हैं उसकी स्क्रिप्टिंग की प्लानिंग हो रही है, सुन रहे हैं, आई मीन ही इज़ वेरी बिजी, टेलीविज़न
ट्रैवल्स एंड देन बीइंग ह्यूमन जो चैरिटेबल उनका काम चलता रहता तो और इसके बावजूद वो हर रोज़ दो घंटे जिम में एक्सरसाइज करते हैं और थोड़े दिन पहले वो एक्सरसाइज कर रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया था रिब में कुछ फ्रैक्चर आ गया था बट तीसरे दिन वो फिर से वो एक्सरसाइज कर रहे थे वो पता नहीं कुछ और मिट्टी के बने हैं भारत के साथ थाईलैंड और श्रीलंका नेपाल मैं फिल्म की शूटिंग के बाद घूमने जाऊंगा इन तीन चार पाँच जगह अच्छा ये मखमल की जैकेट पहन उसके साथ मखमल के लिए कारपेट की जैकेट है ये हमारे घर पे कारपेट बिछाया हुआ था तो फेंकने वाले थे मैंने कहा ये मुझे दे दो मैं जैकेट सिलवा के पहन लूँगा अच्छा कारपेट था शुक्रिया एक्चुअली विक्रम फडणवीस साहब की है मुझे कहना नहीं चाहिए बहुत अच्छा डिज़ाइन करते हूँ हाँ जी क्या क्या कह रहे हैं आप थोड़ा ऊंचा बोलिए जी अभी एक शो आ रहा है कानपुर वाले खुराना स्टार प्लस पे आ रहा है सैटरडे संडे 9:30 बजे और मैं उसमें जीजा की भूमिका निभा रहा हूँ मेरी 6 सालियाँ हैं और आई एम होपिंग कि लेकिन मुझे बाद में पता चला कि 6 साली में एक तो अली भाई हैं एक नौशाद है 3 तो मर्द ही उसके अंदर सूरी हैं हाँ जी देखिए कॉम्पिटिशन बहुत स्वाभाविक नेचर है वो कंपेरिजन्स तो होगा ही क्योंकि हम छोटे बच्चे बड़े बच्चे होते हैं उनमें भी कंपैरिजंस करते हैं अपना बड़ा बेटा होता है छोटा बेटा होता है या एक टीम का दूसरी टीम के साथ तो कंपैरिजन ठीक है विद इन द टीम भी कंपैरिजंस होते हैं तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते वो एक ह्यूमन नेचर है वो होगा ही सो आई एम विशिंग एक सेकेंड हाँ सो वो आवाज़ें आ रही मेरे पास आ रहा एक मिनट बोल रहे हैं हाँ सो ये कंपैरिजंस होंगे ही तो वो ह्यूमन नेचर है आई एम होपिंग कि जितनी ज़्यादा कॉमेडी होगी जितने चैनल्स पर कॉमेडी होगी क्योंकि लोगों में स्ट्रेस बहुत है टेंशन बहुत है लोग हंसें इन्जॉय करें मैं यही चाहता हूँ नया साल आने वाला है और नए साल पे मैं प्रमोद कुमार स्टार प्लस पे अपने साले के साथ आ रहा हूँ नए साल में दैट वाज अ काइंड ऑफ जोक सो आप प्लीज़ देखिए स्टार प्लस पे हमारी सबकी कोशिश है कि आपके चेहरे पर स्माइल लाएँ बाकी तो ईश्वर जानता है थैंक यू सो मच मैडम आपका इंतजार कर रही है ओके रेडी सच बताऊं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूं पर समय बहुत कम है थोड़ी सी विलंब हो चुका हमारे आने में आई एम लिटिल लेट बिकॉज आई वाज वर्किंग जस्ट अ सेकंड गाइस हेलो जस्ट अ मोमेंट द एंट्रेंस प्लीज उसको फोन करके बोल देना आई डोंट हैव हिज नंबर आई एम एट द वीडियो सेक्शन सो प्लीज प्लीज सेंड इट हाँ फिर भी फ़ोन कर दो हाँ आई एम सो सॉरी इफ यू कैन फॉरगिव मी गाइस आई एम पुटिंग द फोन डाउन यस 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 सबको मेरा हेलो हाय नमस्कार बहुत कुछ कहना चाहती हूँ कभी और टाइम मिलेगा तो कहूँगी बट विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल हु आर प्रेजेंट हियर great success in life and great health, wealth and happiness to each and every person because God has so many things for everybody. Trust me, have faith. And sustaining for 18 years, yes, I can understand because I've been part of the longest successful show and been a beautiful part of longest successful show. It takes a hell out of energy from you, your family, your friends, your colleagues. Everybody has to support you, then you can, media, every aspect of the fraternity has to be together and make it possible. Usme kaafi jaddojahed, utar chadhav aate hai, but that's okay, part and parcel of life. Jab aise awards milte hai, then you really feel good and worth about it. So, New Year wish ek karna zarur chahungi, vote bada soch samajh ke de, jagrut nagrik bane, और खुश रहे वी एज अ फैटर्निटी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर यू गाइस टू एंटरटेन यू टू केटर यू उसको अच्छे से समझे और ज़िंदगी खुशहाल बनाए देखते रहिए अंजलि तारक मेहता का उल्टा चश्मा वंदे मातरम थैंक यू